22 अप्रैल को चीन के साथ भारत करेगा अंतरिक्ष में खेल। सिंगापुर के सैटेलाइट है बहाना, असली तकनीक ने हिला डाली दुनिया। इसरो लॉन्च करेगा सैटेलाइट, फिर अंतरिक्ष में वो क्या जा रहा है, जिसने चीन छोड़िए अमेरिका की भी बढ़ा रखी है टेंशन। दोस्तों, आज दुनिया भर में भारत की धाक तेजी से बढ़ रही है। स्पेस सेक्टर में भारत एक महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता को हासिल कर लिया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। सैटेलाइट लॉन्च के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद नासा भी अपने सैटेलाइट्स अब इसरो से लॉन्च करवाने के लिए भेज चुका है। निसार नाम का ये मिशन इसरो और नासा मिलकर के कर रहे हैं। तो वही दोस्तों, आज दुनिया के कई देश कम लागत में अपने सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कराने के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसरो एक बार फिर से दो मिशन के साथ में तैयार है। पहला मिशन है PSLV C-55, जो 22 अप्रैल को दोपहर 2:19 पर लॉन्च होगा। तो दूसरा है चंद्रयान 3, जो अगस्त में लॉन्चिंग के लिए तैयार है। दोस्तों, चांद पर एक बार फिर से जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो वहीं 22 अप्रैल के दोपहर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस दिन इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट से सिंगापुर के टेल US-02 और लुमिनाइट 4 सैटेलाइट की लॉन्चिंग करेगा। और इस बार ये लॉन्चिंग बेहद खास होने वाली है, क्योंकि दिखने में ये मिशन बहुत ही साधारण और सिंपल सा नजर आ रहा है। सिंगापुर के दो सैटेलाइट सिंपल से दिख रहे हैं, लेकिन असली तूफान तो इसरो के सीक्रेट मिशन का है, जिसमें भारत पहले ही ताकतवर बन चुका है। और दोस्तों, इसी से चीन और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां भी परेशान हैं। तो वहीं दोस्तों, पहली बार इसरो ने अपने PSLV रॉकेट को तूफानी रफ्तार से असेंबल किया है। मतलब जो काम कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीने तक चला जाता था, वो अब आधे वक्त में पूरा कर लिया गया है, ठीक भारत के छुटकू रॉकेट यानी SSLV की तर्ज पर। और इसी रफ्तार ने चीन और एलोन मस्क के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि अब ग्लोबल मार्केट में इसरो ने तूफान मचा दिया है। तो आखिर इसरो इस बार के रॉकेट में क्या तूफानी करने जा रहा है, और इसरो इस बार सिंगापुर के सैटेलाइट्स के साथ एक और भारत का सीक्रेट पेलोड भेज रहा है, उसमें छुपी तकनीक से दुनिया में क्यों बवंडर सा मचने लग गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं। चीन के चप्पे चप्पे को छान मारने वाला जासूस होगा लॉन्च। इसरो की तकनीक कैसे बर्बाद कर देगी चीन का सपना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस नई लॉन्चिंग के बारे में बता देता हूं। इस बार जो लॉन्चिंग हो रही है वो है PSLV C-55, जो 22 अप्रैल दोपहर 2:19 पर होने वाली है, और सिंगापुर के टेल EOS-02 और लुमिनाइट 4 सैटेलाइट्स को लेकर के ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हालांकि दोस्तों, इसके साथ ही कुछ सीक्रेट सैटेलाइट्स भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और उनको जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम सिंगापुर वाले सैटेलाइट टेल EOS-02 की बात कर लेते हैं। ये धरती की निगरानी करने वाला उपग्रह है, जिसका वजन 741 किलोग्राम है, और इसमें एक बहुत ही एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो धरती पर 1 मीटर के रेडियस तक की हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स ले सकता है। ये दिन और रात किसी भी वक्त किसी भी जगह की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों, इसरो 16 किलोग्राम का एक लुमिनाइट 4 सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। वो भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी ये भी निगरानी करने का काम करेगा, और ये खास तौर पर मैरीटाइम सेफ्टी के लिए नेविगेशन का काम करेगा। इसरो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में धरती से 556 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित करेगा, और वहां से ये दोनों ही सैटेलाइट सिंगापुर के लिए जासूसी का काम करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि ये जासूसी किसकी होने वाली है। जाहिर तौर पर सिंगापुर का टंटा चीन से चल रहा है, लिहाजा दोस्तों ये चीन के लिए ही काल बनने वाले हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि इसरो भारत का भी एक पेलोड लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है POEM-2, और असली खेल इसका ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों, POEM PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है,
जो वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है। इसके लिए इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लास्ट स्टेज यानी फोर्थ स्टेज का इस्तेमाल किया है, जो सामान्य तौर पर लॉन्चिंग की भूमिका खत्म होने के बाद में खत्म हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाली रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में ही गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहा जाता है, वो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा भर रह जाता है। लेकिन अब दोस्तों, इसरो PSLV-C55 के फोर्थ स्टेज का इस्तेमाल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर करेगा। ये PS4 धरती का चक्कर लगाएगा। दोस्तों, वैसे तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए काम आता है, लेकिन इसका असली यूज करके भारत आसानी से किसी भी चीनी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। इसरो अपने रॉकेट्स के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर खतरनाक एनर्जी वेपन्स स्पेस में भेज सकता है, जो दोस्तों अंतरिक्ष में किसी भी स्पेस स्टेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। भारत मार्च 2019 में ही वो तकनीक हासिल कर चुका है, जिसके जरिए भारत किसी भी वक्त किसी भी दुश्मन सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, इसी बात से यानी स्पेस में इसरो के तेज से बढ़ रहे कदमों से चीन और अमेरिका परेशान हो उठे हैं, क्योंकि भारत ने ये तकनीक अपने दम पर डेवलप की है। इसका पिछले साल यानी 30 जून 2022 को सफल टेस्ट भी किया गया था, और अब ये इसका दूसरा मिशन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सैटेलाइट किसी भी देश के लिए बेहद सीक्रेट वेपन्स की तरह काम करते हैं। ये दुश्मन की तमाम खुफिया इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे में अगर भारत को दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट से खतरा होता है, तो भारत उसे आसानी से बर्बाद कर सकता है, और ये पोएम तकनीक इस मामले में भारत की ताकत को और कई गुना बढ़ा दे रही है। इसके जरिए भारत किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, इस बार इसरो ने कहा है कि वो 7 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स भेज रहा है, लेकिन उनकी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। यानी दोस्तों, कुछ है जिसे छुपाया जा रहा है, और ये बात हम भी रिवील नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे भारत की बातें बाहर जा सकती हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया को जीतने वाले इसरो की प्लानिंग की। तो अपने भरोसे और काबिलियत के दम पर इसरो अपनी ओर दुनिया को खींच रहा है, उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये सैटेलाइट लॉन्च की रफ्तार भारत की बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जिस लॉन्चिंग पैड से रॉकेट फायर किए जाते थे, उसी पर ही पीएसएलवी की सभी स्टेजेस को मोबाइल सर्विस टावर के जरिए इंटीग्रेट किया जाता था, यानी इनको जोड़ा जाता था। लेकिन इस बार नए और इनोवेटिव तरीके से इसरो सैटेलाइट्स के पहले और दूसरे स्टेज को पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी यानी PIF में इनको जोड़ा गया। ये अलग से एक फैसिलिटी बनाई गई है, फिर उसे लॉन्चिंग पैड पर लाया गया, जिसके बाद तीसरे और चौथे चरण को इसमें जोड़ा गया। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि लॉन्चिंग पैड पर ज्यादा टाइम जाया नहीं हुआ, वरना इस प्रोसेस में 1 सप्ताह से लेकर के 3 महीने तक लग जाते हैं, और तब तक इस लॉन्च पैड से कुछ भी लॉन्च नहीं हो पाता है। अब जब से पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी यानी PIF में काम शुरू हुआ है, वहां पर पहले और दूसरे स्टेज का काम यानी रॉकेट का आधा काम रेडी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इसरो के नए रॉकेट SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में सब कुछ क्विकली हो जाता है, वैसा ही अब पीएसएलवी के साथ भी होने वाला है, और वो भी केवल 1-2 सप्ताह के भीतर ही। मतलब अब लॉन्चिंग पैड ज्यादा टाइम तक खाली ही रहेगा, लिहाजा भारत ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग कर पाएगा, और कम टाइम, कम मैन पावर और कम लागत में ज्यादा रेवेन्यू गेन कर पाएगा। इस बार इसरो लॉन्चिंग में PSLV-C55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, जो सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। दोस्तों, ये सितंबर 1993 से अब तक 56 बार सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, और ये 57वां लॉन्च है। केवल 2 बार ही ये अनसक्सेसफुल रहा था। ये रॉकेट 44 मीटर ऊंचा है, और इसका व्यास 2.8 मीटर का है। इसमें 4 स्टेजेज हैं। इस रॉकेट का वजन 320 टन का है, और इस वक्त इसके 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं, PSLV-CA, DL, QL और XL वेरिएंट। और दोस्तों, इस बार जो लॉन्चिंग हो रही है, उसमें XL वेरिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 6 सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगी है। ये रॉकेट 1750 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को धरती से 600 किलोग्राम ऊंचाई पर मौजूद सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेज सकता है, और ये 1425 किलोग्राम के सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी भेज सकता है।
दोस्तों इसी रॉकेट ने अपने लास्ट मिशन में भारत के जासूसी उपग्रह EOS-06 को ऑर्बिट में लॉन्च किया था और फिर इसने ऑर्बिट चेंज करके एक इतिहास रचा था। उस दौरान इसने दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किए। दोस्तों इस बार के मिशन के साथ ही इसरो 33 देशों के 424 सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। दोस्तों दुनिया के कमर्शियल मार्केट में इसरो को लगातार बढ़त मिलती जा रही है और वो देश लगातार इसरो से अपनी लॉन्चिंग करवा रहे हैं और इसरो बहुत ही किफायती दरों पर ये काम कर भी रहा है। भारत ने अब स्पेस प्रोग्राम को निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया है। पीएम मोदी की प्लानिंग है कि स्पेस में भारतीय कदम सबसे आगे होने चाहिए। सपना ये है दोस्तों कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह भारतीय कंपनियां भी इस प्रोग्राम में जुड़ें और स्पेस से जुड़े व्यापार में भारत का डंका बुलंद कर दें। दोस्तों इसरो ने चंद्रयान जैसे मिशन को अंजाम देकर के दुनिया में धमाका कर दिया क्योंकि इसी मिशन ने चांद पर पानी का पता लगाया था। और दोस्तों एक बार फिर से भारत चंद्रयान 3 को लेकर के तैयार है। इसरो इसी साल अगस्त में चंद्रयान 3 और मई में गगनयान मिशन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान पैड एबोर्ट टेस्ट करने वाला है। वही दोस्तों इस मिशन पर इसरो ने कहा है कि अब यह मिशन केवल वन ऑफ यानी केवल एक बार का अंतरिक्ष मिशन नहीं होगा बल्कि इसे लगातार वाले अंदाज में रखा जाएगा। मतलब भारत के एस्ट्रोनॉट्स अब लगातार अंतरिक्ष में पहुंचते रहेंगे। मोदी सरकार ने इसको लेकर के हरी झंडी दे दी है यानी अब भारत के फार्मा साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट और एग्रो साइंटिस्ट भी धरती के ऊपर चक्कर लगाते हुए रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। दोस्तों इसमें भारत के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से लेकर के आम नागरिक भी अंतरिक्ष में जा सकेंगे। साथ ही दोस्तों भारत की डिफेंस जरूरतों को देखते हुए इसरो ने दुनिया को हैरान करने वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करने की प्लानिंग भी कर डाली है।